जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बीते दिनों बादल फटने से कोसी बैराज में सिल्ट और गोद आने से नगर में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके चलते विधायक मनोज तिवारी ने मंगलवार को कोसी बैराज का औचक निरीक्षण किया। इस बीच विधायक तिवारी ने सिंचाई विभाग के अफसरों से दिक्कतों के बारे में जानकारी ली, साथ ही भविष्य में बैराज में जमा होने वाली गाद की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है इसको लेकर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने बैराज की साफ सफाई के लिए आकलन तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। 12 से 17 में जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की और विधायक के रूप में था, उस समय हमने अल्मोड़े की जो भीषण पेयजल संकट था उसको देखते हुए अल्मोड़े में हमने इसको कोसी बैराज की एक सौगात दी थी। और आज मैं कहना चाहता हूं कि गर्मी, पूरे गर्मी में इस कोसी बैराज की वजह से अल्मोड़े वालों को पानी मिल पाया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में त्राही त्राही मच गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है कि जब बरसात में गाद आती है, सिल्ट आती है, जब जंगलों में आग लगी रहती है तो उसके जो दूसरी चीज़ें हैं वो आती हैं, तो जो सबसे परेशानी की जब सिल्ट आती है, गाद आती है, तो उसको कैसे हम व्यवस्थित करें के लेके आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए कि इसका एस्टीमेट बनाएं कि वित्तीय वर्ष में कितनी बार इसकी सफाई हो सकती है, चाहे वो जिला योजना से या शासन से उसके लिए धनराशि उपलब्ध कराएं कि भविष्य में जो गाद है उसको कैसे हम सफाई करें और जो यहाँ पर पानी जो संचय होता है उसकी पानी संचय की यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी आने से उसका रुकने उसका भी संचय कम हो पा रहा है, तो उसकी भी एक बार सफाई कराई जाए। तो इसके लिए विभागीय अधिकारी को दिया कि तत्काल इसका आकलन में के जिला योजना में शासन को भेजे, जिससे कि उसको स्वीकृत कराएं। और दूसरा, जल संस्थान के विभागीय अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अल्मोड़े के लोगों को जल्दी से जल्दी व्यवस्थित करें और दूषित पानी ना पिलाएं और स्वच्छ पानी देने का काम करें, और उसमें जो भी फिल्ट्रेशन की या जो भी कमी है या तो उसके लिए भी कहा गया कि उसका आकलन भेजे, जिससे कि शासन से भविष्य में उसके लिए भी बजट मंजूर कराने का प्रयास करें। उनको जो पानी लिफ्ट किया गया तो उसमें कुछ राख या जो भी उठ रही है तो वो कुछ सफाई का सुता, मेरे ख्याल जहाँ तक मेरी जानकारी, जल संस्थान ने अपने टैंक सफाई करा लिए और अभी जो यहाँ पे जो पानी है ये तो एजीटीजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल मोटा कचरा ही निकाल सकते हैं, सिल्ट वगैरह को यहाँ पे डिसिल्टिंग या सेडिमेंटेशन करने के लिए हमारे पास कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो वो तो अपने टैंक में ही रख के और उसको क्लोरिनेशन वगैरह जो भी दवाई डालते हैं उसको करते हैं। तो ये जो पानी आ रहा है इसके बारे में जल संस्थान ही ज़्यादा आपको